Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, Debunking Mythology. Satology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, दैट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी पर्सनली, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लंबे वीडियोस लोग इतना देखेंगे. तो लेकिन फिर भी हम लोग अपने ट्रेडिशन के हिसाब से लंबे वीडियोस करते हैं ताकि वी कैन गो इन टू द बॉटम ऑफ एवरी इशू. सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल टॉपिक एंड हमारे वेरी स्पेशल अभी गेस्ट बोलेंगे या बोलेंगे कि वो हमारे part of our family now. So let us welcome Professor Rameshwar Mishra Pankaj. Namaste. So abhi, like last episode mein jab hum log discuss kiya, sanatan shabd ka bhi sanatan hai, shabd bhi anadi hai. Aur it was a very well received show, abhi bhi chal raha hai, log dekh rahe hai abhi bhi, and it's going on strong. Logon ko abhi bahut ruchi hai sanatan mein, bahut zyada. और नॉट जस्ट इंडिया, पूरे विश्व में अभी ऐसा हो गया है कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग जो है अपने आप को हिंदू या सनातनी बोलने में गर्व महसूस करते हैं. बिल्कुल. और इसका एक कारण ये भी है कि भारत में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो थोड़ा सपोर्ट भी करती है, और उस गवर्नमेंट के विरुद्ध भी बहुत है. वो है कि उन्होंने मंदिरों को फ्री नहीं किया. दोनों चीजें एक साथ है कि मंदिरों के फ्री नहीं किया, दोनों एक साथ ही है. And both are equally valid points. और इसलिए दोनों साइड में हम लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं फॉर प्रमोटिंग इट, एंड उनके अपोजिशन को भी सपोर्ट करते हैं फॉर आस्किंग द राइट थिंग ऑल्सो, क्योंकि वो जरूरी है सिर्फ डेमोक्रेसी में. लेकिन वहां पे जो भारत के जो हिंदू संगठन है, आप तो जुड़े हुए हैं उनसे बहुत ही अच्छी डीप लेवल, मैंने देखा पर्सनली भोपाल में जब मैं गया था, तो हाउ वेल रिस्पेक्टेड यू आर इन दैट कम्युनिटी ऑल्सो. और फिर भी आप इतने बोल्ड व्यू पॉइंट्स लेकर आते हैं. तो सबसे पुराना संघ तो सनातन धर्म का संघ है, लेकिन जो आजकल हम लोग देखते हैं कि हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष रहते हैं, जैसे मोहन भागवत जी हैं और अनेक लोग हैं, कभी बहुत बार कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देते हैं. कभी बोला कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी बोला 50 साल के लिए देवताओं को भूल जाओ. हमने काफी शोज किए हैं भारत माता के ऊपर एंड दिस थिंग. और फिर जब वो हमारे प्रेमानंद महाराज से जब मिलते हैं वृंदावन में, एंड विच वी ऑल ऑफ अस लव हिम प्रेमानंद महाराज, उनसे जब मिलते हैं तो प्रेमानंद महाराज के निर्देश काफी डायरेक्ट हैं, एकदम डायरेक्ट, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट. उसमें कृष्ण के ऊपर वो बोलते हैं कि कृष्ण के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है. और धर्म की स्थापना में कृष्ण का अगर उसके ऊपर स्थापना नहीं आएगी तो नहीं होगी. So what do you see this whole history? थोड़ा इसमें इतिहास तो डिटेल में बताइए इसमें. इसमें बहुत सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है. इसमें दो तीन बातें एक साथ समझनी होंगी, संघ को भी और जो भारत में अभी का स्टेट है, मॉडर्न स्टेट, उसके स्ट्रक्चर को भी और इसकी पॉलिटी है. तो सबसे पहले हम लोग संघ पर बात करें. संघ के जो संस्थापक हैं परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, वो एक देशभक्त थे और मूलतः क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे. लेकिन जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को हिंदू सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की बहुत आवश्यकता पड़ गई, उसके बिना तो वो जर्मनी उनको खत्म ही कर देता. लगभग 8 लाख अंग्रेज मर गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और शायद 11 लाख या 15 लाख घायल हो गए थे. घर घर में इंग्लैंड में हाहाकार मच गया था. तो उसके बाद उन्होंने वचन तो दिया कि अगर आप लोग हमारी सहायता करेंगे तो हम धीरे धीरे आपको ऑटोनॉमी देकर ब्रिटिश इंडिया से चले जाएंगे. मतलब इंग्लैंड 1 नवंबर 1858 को पहली बार ब्रिटिश स्टेट ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया, सीधा हस्तक्षेप किया आधे भारत में. आधा भारत फिर भी अलग था, बहुत बड़े बड़े राज्य थे और कम से कम 100 तो बड़े राज्य थे, और इसके बाद छोटे छोटे रियासतें 500 के करीब थी कुल मिला के, जिसमें से मुस्लिम रियासतें छोटी छोटी 100 के करीब थी, और बाकी बड़े राज्य 7 मुस्लिम राज्य थे. हैदराबाद हो चाहे भोपाल हो, ऐसे थोड़े से मुस्लिम राज्य थे, बाकी और रामपुर हो, लेकिन बाकी मुस्लिम राज्य नहीं थे. छोटे छोटे 7 मुस्लिम राज्य थे और बाकी छोटी छोटी जागीरें थी मुसलमानों की, और हिंदू राज्य थे जो स्वतंत्र थे. वहां कभी अंग्रेजों का शासन
15 अगस्त 1947 तक एक भी दिन अंग्रेजों का शासन ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, राजस्थान का जैसलमेर, बीकानेर कहीं नहीं रहा। तो इस प्रकार ये त्रावणकोर कोचीन में कभी एक भी दिन अंग्रेजों का राज्य नहीं था। यानी 100 बड़े राज्य थे अच्छे, उसमें से 20 राज्य तो लगभग इंग्लैंड के बराबर आकार के थे, वहां कभी भी इंग्लैंड का शासन नहीं रहा। तो इनके पॉलिटिकल एजेंट इन्होंने रख दिए थे जो कि इंग्लैंड के हितों की देखभाल करें, जैसे आजकल राजदूत रहते हैं। और भारत उस समय का जो अनडिवाइडेड भारत है वो यूरोप के बराबर था। अभी का जो भारत है वो भी अगर सोवियत संघ वाले या रूस वाले हिस्से को हटा दें तो यूरोप के बराबर, 34 देशों के बराबर है। तो यहाँ उस समय उसी तरह का राज्य था। तो अंग्रेजों ने इनसे मैत्री संबंध किया और हिंदू राजाओं की और कुछ मुस्लिम जागीरदारों की सहमति से 1 नवंबर 1858 को पहली बार ब्रिटिश शासन ने इंटरवेंशन किया, ये कह के कि हमारे मैत्री संबंध है, हम आपको गुड गवर्नेंस देंगे और आपकी सीमा में हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, आप हमारे एरिया में मत करिए। लेकिन फिर ये धीरे धीरे उसको कोशिश करने लगे कि हम बहुत लंबे समय तक टिक जाएं। तो इससे एक बहुत ही टसल चला है, बहुत ही बारीक उठा पटक, जैसे कोल्ड वार कहते हैं, राजाओं के बीच और ब्रिटिश स्टेट के बीच ये चलता रहा। इस बीच जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे उनकी अंग्रेजों से बहुत मैत्री हो गई। यानी शुरू में जो कांग्रेस पार्टी बनी उसमें लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे तेजस्वी नेता थे। तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि वो कांग्रेस का उपयोग हो सकता है। तो उन्होंने गांधी जी को वहाँ दक्षिण अफ्रीका में समझाया कि भाई चलो भारत में हमारा काम करो। गांधी जी भी महत्वाकांक्षी थे, एम्बिशस थे, तो वो उन्होंने कहा अच्छा। यानी वो कोई उनके एजेंट नहीं थे, इनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशन है, ब्रिटिश स्टेट के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन है, बाकी लोगों के अपने हैं। तो गांधी जी यहाँ आके काम करने लगे। गांधी जी बहुत ही होशियार, बहुत चतुर और बार्गेनिंग कैपेसिटी भी उनकी बहुत थी, पॉलिटिकल बार्गेनिंग। अंग्रेजों को वो कई बार झुका लेते थे भारत के पक्ष में। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि बहुत ही डिसाइसिव, बहुत ही निर्णायक मौके पर गांधी जी अंग्रेजों की मुख्य मांग से झुक जाते थे। ऐसा क्यों होता था ये एक डायलमा है, एक खोज का विषय है। कोई वीकनेस थी गांधी जी की जिसे अंग्रेज जानते थे या कोई और बात है? लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के मित्रों में सबसे होशियार गांधी जी ही थे नेताओं में। तो वो यहाँ आए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने मदद की अंग्रेजों की, तो उसके बाद और भारतीय राजाओं ने मदद की, तो ये तय हो गया कि अब अंग्रेज चले जाएंगे। यानी 1858 में आए और 1915 आते आते उन्होंने जाने का सोचा। लेकिन बहुत ही कनिंगनेस से, चालाकी से, स्टेजेस में स्टेप बाय स्टेप जाने का सोचा। तो जो होशियार लोग थे लंदन में, जो लोग पढ़कर आए थे अंग्रेजी, वो ये सब जानते थे कि अब इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भारत की सेना पर निर्भर है और सेना अगर कभी तन गई तो इन्हें जाना ही पड़ेगा। तो ये ग्रेजुअली यहाँ से जाएंगे। तो इन्होंने सोचा हम अंग्रेजों से दोस्ती करें जिससे कि वो हमको सत्ता दे के जाए। तो ये जो डॉक्टर हेडगेवार थे इनको भी ये आभास हो गया कि अब तो अंग्रेज यहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने भविष्य की तैयारी के लिए आरएसएस बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनको ये लगा कि ये जो मुसलमान हैं ये कई बार बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होके बहुत मजहबी उन्माद करते हैं, दंगा करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, बस्तियां जलाते हैं, बहुत भयंकर लूटपाट करते हैं, इनसे बड़ा खतरा है, तो इनसे हिंदू समाज की रक्षा करनी है। तो उनका एक लिमिटेड पर्पज था। यानी हिंदू सोसाइटी तब तक भले अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने ठग लिया था, लेकिन वैसे ये वेल निट सोसाइटी थी, सुव्यवस्थित, जातियों और संप्रदायों में सुविभक्त, बहुत संगठित समाज था हिंदू। तो उनको लगा कि ये बाकी अपना काम तो कर ही रहा है हिंदू, विद्या, एक से एक विद्वान है, संप्रदायों के मठों के आचार्य हैं, दिग्गज बड़े बड़े मनीषी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमको इसकी सेवा इस रूप में करनी है कि जो रक्षा हिंदुओं की करें मुसलमानों से, और मुस्लिम मजहबी उग्रवाद जो है ना, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, कहीं हिंदू धर्म पर चोट नहीं करे, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। और उनकी बात को हिंदू समाज समझ गया। तो हिंदू बहुत अच्छे अच्छे घरों के लड़के लोग अपने लड़कों को देने लगे, जिनके एक से अधिक लड़के थे, उन्होंने कहा जाओ भाई संघ का कार्य करो। यानी भविष्य की तैयारी होने लगी।
तो आरएसएस की स्थापना हिंदू समाज की सेवा के लिए हुई थी, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, लेकिन वो सेवा व्यावहारिक सेवा थी, यानी राजनीतिक सेवा, सामाजिक सेवा। इसीलिए जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, हितकारी महाराज जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये इशारा था आरएसएस के सरपंच चालक के लिए कि आप व्यावहारिक सेवा कर रहे हैं। व्यावहारिक सेवा में यह है कि राजनीतिक हित साधना और सामाजिक कल्याण करना, कभी उनको संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए तो उसमें उनकी सहायता करना। तो ये जो स्टेट के भौतिक या मटेरियल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें काम करना, वो हो गया व्यावहारिक सेवा। लेकिन उन्होंने कहा बौद्धिक उत्कर्ष आवश्यक है और आध्यात्मिक सेवा, अध्यात्म की सेवा आवश्यक है। आध्यात्मिक सेवा चेतना को ऊंचा उठाती है, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस को ऊपर उठाती है, उससे चित्त विकसित होता है, मनुष्य मन और बुद्धि के फंक्शंस जान लेता है, उस पर कंट्रोल करना जान लेता है, तो बहुत ही शांत ढंग से समाज में ज्ञान को, प्रकाश को, चेतना को बढ़ाता है, भगवान की भक्ति को बढ़ाता है और अपनी ज्ञान परंपरा को बढ़ाता है। तो वो उन्होंने संकेत किया है। तो संघ ने ये सब काम कभी क्यों नहीं किया, क्योंकि ये काम समाज में चल रहे थे, बड़े बड़े आचार्य थे, मंदिर थे, तो वो सब चल रहा था। तो अपनी मर्यादा समझकर परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि भाई इतनी हमारी शक्ति है, हम इनकी रक्षा करेंगे, यानी हिंदू समाज की भुजा का काम, भुजा बनने का संकल्प आरएसएस ने लिया। वो बना भी, विभाजन के समय संघ ने बहुत काम किए, बहुत रक्षा की कोशिश की। गांधी जी ने अचानक भारतीयों को, हिंदुओं को धोखा दिया और मुसलमानों की जो भीड़ थी, जो दंगे कर रही थी, हत्याएं कर रही थी, बलात्कार कर रही थी, उसके सामने समर्पण कर दिया गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी पूरी टीम ने। तो उसमें लोग ठगे रह गए, क्योंकि पहले उनको गांधी जी पे बहुत भरोसा था, तो उन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, फिर वो नहीं हुआ। तो उस समय जब हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा, जिनोसाइड होने लगा, उस समय मुसलमान दंगाइयों से, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट से हिंदुओं की रक्षा आरएसएस ने की, तो बहुत ही पॉपुलर हो गया। अब क्या हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ तो वस्तुतः संघ के पास कोई काम नहीं बचा, क्योंकि वो तो हो गया आप जो भी है। तो इनको स्टेट क्राफ्ट की समझ नहीं थी, लेकिन इनकी जो पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे जवाहरलाल को लगा कि ये हमारी पॉलिटिक्स के लिए खतरा होंगे। तो उसने गांधी जी के मर्डर की, जबकि गांधी जी के मर्डर से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था, गांधी जी का मर्डर एक तरह से देशभक्त युवक ने किया भावना में आके, उसको पॉलिटिकल फोर्सेस की कोई समझ नहीं थी, दुनिया कैसे चलती है इसकी समझ नहीं थी, भारत में जो राजनीतिक लोग हैं उसमें से कितने लोग अंग्रेजों के मित्र हैं, कैसे वो ब्रिटिश स्ट्रक्चर को ला रहे हैं, कोई समझ नहीं थी। ब्रिटिश स्ट्रक्चर से उसका विरोध भी नहीं था, ये जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर भारत में आ रहा है इससे उसका कोई विरोध नहीं था, यानी उसकी देशभक्ति भावनात्मक थी, है ना, उसमें कोई गहराई नहीं थी, देश का ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, धर्म का ज्ञान नहीं था, एक तरह का इमोशनल हिंदुइज्म था कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो जैसा है युवकों को होता है। तो उसको लगा कि ये गांधी जी तो हिंदुओं को मरवा रहे हैं और मुसलमानों को नाजायज रूप से सुविधाएं दिला रहे हैं, और हिंदू जब प्रतिक्रिया करता है, प्रतिकार करता है, कुछ रिवेंज करता है, तो उसको रोकते हैं अहिंसा के नाम पे, और वो अहिंसा झूठी थी, क्योंकि शास्त्रों में क्या कहा है, शास्त्रों में कहा है वितरका हिंसा कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पुरुका मधु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञान आनंद फला, यानी हिंसा भी कृतकारित और अनुमोदित होती है, आप स्वयं करते हैं, किसी से कराते हैं या करने देते हैं, और फिर वो भी लोभ से होती है, क्रोध से होती है, मोह से होती है, मृदु होती है, मध्य होती है, तीव्र होती है, बहुत से भेद बताए हैं। तो ये जो मुसलमान लोग जो हिंसा कर रहे थे वो गांधी जी कर नहीं रहे थे, गांधी जी ने स्वयं किसी हिंदू को नहीं मारा, और गांधी जी ने कह के कराया भी नहीं, लेकिन एक प्रकार से कराया, उनसे कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे सगे भाई हैं और इनको तो ये तो यूं ही बिगड़ जाते हैं, तो अगर वो हिंदुओं का कत्ल करते थे मुसलमान तो गांधी जी उनका पक्ष लेते थे। तो हिंदुओं की हिंसा कराने में, कारित में गांधी जी का योगदान था, और अनुमोदन बहुत था कि उनका वो हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो भी आप पक्ष ले रहे हैं। तो इस प्रकार गांधी जी
योग शास्त्र के अनुसार गांधी जी के द्वारा कारित और अनुमोदित हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी, तो इससे उस बच्चे को क्रोध आया और उसने इनको मार दिया। अब उसे ये पता नहीं था कि ये जो हिंसा कराई जा रही है या हिंसा का अनुमोदन किया जा रहा है वो गांधी जी की कोई हैसियत नहीं है। ब्रिटिश स्टेट चाह रहा है कि हिंदू समाज कमजोर हो, भारत टूटे, हम भारत को बांट के जाएं, क्योंकि भारत की शक्ति को देख चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता देख चुका था। तो इसलिए वो चाहता था कि हम भारत को बांट के जाएं। तो जहां जो बहुत ही उपजाऊ इलाके थे और साथ ही कुछ खनिज पदार्थ थे, सेंधा नमक हो, चाहे फल हो, मेवे हो, फ्रूट्स हो, वो जिन इलाकों में रहते थे वहां उन्होंने सोचा इसको बांट दें। तो गांधी जी तो एक टूल थे, लेकिन वो बेचारा नाथूराम गोडसे ये सब नहीं जानता था, तो उसने गांधी जी को ही मार दिया। अब इसमें जवाहरलाल को बढ़िया मौका मिल गया, उसने सोचा, क्योंकि जवाहरलाल और गांधी जी में कंपटीशन था, अंग्रेजों का कौन निकट बनेगा। तो गांधी जी थोड़ा बड़े व्यक्तित्व थे, वो भारतीय धर्म को जानते थे एक बड़ी सीमा तक, पालन तो कम किया लेकिन काफी, और भारत की भाषा बोलते थे, और वो अंग्रेजों की सब चाल समझते थे। तो अंग्रेजों को मौका लगने पर वो घेर देते थे, कई बार घेरा उन्होंने, दबाया। ये जो जवाहरलाल था ये न तो अंग्रेजों के बराबर होशियार था, न इसको भारत की किसी परंपरा का ज्ञान था, तो ये उनसे झुक जाता था, ये उनके कब्जे में था, तो ये अंग्रेजों के ज्यादा निकट चला गया। जब सुभाष चंद्र बोस के डर से अंग्रेजों को लगा कि अब हमें भारत से जाना है तो किसको दे सकता है, तो ये इसने अपने को विश्वास पात्र सिद्ध कर दिया, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो अंग्रेजों ने तय किया कि इसी को हम सत्ता देके यहाँ से जाएंगे, नहीं तो कहीं सुभाष के अनुयायी आ गए। गांधी जी तब तक विरोध कर रहे थे कि हम कभी भी तुम्हें इस तरह से पार्टीशन करके नहीं जाने देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने पता नहीं अकेले में इसको, इनको ब्लैकमेल किया या क्या समझाया, वो मान गए, तो इससे उनकी हत्या हो गई। अंग्रेजों ने उनको पूरी खुफिया पुलिस को, गुप्तचर पुलिस को पूरी जानकारी थी कि नाथूराम गोडसे और आप्टे करके करकरे आदि एक ग्रुप है देशभक्त युवकों का जो गांधी की हत्या करेगा, तो उन्होंने उसको लेट इट हैपन, है ना, दे परमिटेड इट, दे परमिटेड टू बी मर्डर्ड, गांधी जी की हत्या हो जाए, इसको होने दिया है, तो पॉलिटिक्स है बहुत। तो गांधी जी की हत्या से जवाहरलाल ने ये फायदा उठाया कि गांधी जी तो गए, अब अंग्रेजों का सबसे निकट मैं हूं और मुझे गांधी जी की, गांधी जी का वो कहता था, जवाहरलाल बहुत कहते थे गांधी जी पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो तो भारतीयता की बात करते हैं, वो तो पुराने जमाने में रहते हैं, हम लोग तो रिवॉल्यूशनरी हैं, हम लोग तो सोशलिस्ट हैं। तो गांधी जी के थॉट से, वैल्यूज से, लाइफ वैल्यूज से सबसे पूरी तरह डिसएग्री करता था जवाहरलाल। तो उसको लगा कि ये समस्या गई हमारे हाथ से, ये पट्टा जो बहुत बड़ा एक आइकॉन बन गया था, वो अगर भारतीयता की बात करेगा, राम राज्य की बात करेगा, गीता की बात करेगा, तो मुश्किल जाएगी। तो मेरे रास्ते से ये कांटा गया, और अब ये पार्टीशन के समय बहुत बड़ा सपोर्ट आरएसएस को मिल रहा है, तो सोचा ये है असली भविष्य के लिए खतरा, तो आरएसएस को बैन कर, प्रतिबंधित कर दिया, आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया। अब यहां से आरएसएस लड़खड़ा गए, आरएसएस को समझ ही नहीं आया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो इस हत्या से, वीर सावरकर भी हत्या से सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा था कि ये तो भ्रातृवध है ना, मर्डर ऑफ द ब्रदर, तो गांधी जी से भले हमारा वैचारिक मतभेद है पर अपने भाई की हत्या थोड़ी करेंगे। तो वीर सावरकर और आरएसएस दोनों इसको भ्रातृवध मानते थे गांधी जी की हत्या को, और इससे असहमत थे। आखिर वीर सावरकर वो एक प्रसिद्ध कविता गाते थे स्वतंत्रता कर, तो उन्होंने कहा मुझे भले स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हमारे विरोधियों को मिल रही है, लेकिन मिल रही है, तो उसका गाना गाते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को प्रतिबंध कर दिया, इससे आरएसएस घबरा गया, और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी वालों आदि ने कहा कि देखो ये पॉलिटिकल रिवेंज ले रहा है, पॉलिटिकली आपको दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो आप एक पार्टी बनाओ। तो पार्टी उन्होंने बना ली, आप देख रहे हैं ना कहां से चले, हिंदू समाज की रक्षा के लिए आरएसएस गठित हुआ था, हिंदू समाज की सेवा के लिए आरएसएस का गठन हुआ था, ना तो वो कोई दर्शन के लिए हुआ था, न भजन के लिए हुआ था, न ज्ञान के लिए हुआ था, न साधना के लिए हुआ था, न वेद उपनिषद के लिए हुआ था, न रामायण महाभारत के लिए हुआ था, न पुराण के लिए हुआ था, कोई लेना देना नहीं, और इनका विरोधी भी नहीं, ये सब चलता रहेगा और मैं
हम केवल एक काम करेंगे, जैसे अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने सोचा हम हिंदू समाज की सेवा करेंगे। अब जैसे ही पार्टी बनी तो मॉडर्न पार्टी बनी ना, तो मॉडर्न पार्टी जब बनी तो ये तो यूरोपियन स्टाइल की, यूरो क्रिश्चियन थॉट सिस्टम की पार्टियां हैं। ये पार्टियां सब की सब जो इंग्लैंड का, माने जो 1935 का इंडिया एक्ट था, इंडिया एक्ट 1935 जो इंग्लैंड ने भारत को दबाने के लिए बनाया था, उसी को थोड़ा सा सुधार के भारत का संविधान बना दिया। अब भारत का संविधान बनने से क्या हुआ, भारत का संविधान बनने से भारत की समस्त राज्य परंपरा प्रतिबंधित हो गई। आरएसएस को समझने के लिए जरूरी है, यानी भारत में सदा से यह नियम था कि राजा जो है वो लॉ मेकर नहीं होगा। इंग्लैंड में भी है, जो आपकी परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनकी रक्षा करना स्टेट का काम है। अच्छा स्टेट वो है जो प्रजा की अच्छी प्रथाओं परंपराओं उनका पालन करे। जैसे प्रोटेस्टेंट चर्च है इंग्लैंड में, तो प्रोटेस्टेंट चर्च का प्रोटेक्शन और उसको लीगल पैटर्न उसका बनना, ये ब्रिटिश स्टेट का काम है, क्राउन का काम है। तो भारत में राज्य का काम वही होना था, सनातन धर्म की रक्षा करो, और क्या काम होगा राज्य का। फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, यूएसए में, सब जगह वहां की जो मेजोरिटी है, क्रिश्चियन मेजोरिटी, उसकी कस्टम्स, ट्रेडिशंस और उसकी फेथ और उसकी मान्यताओं की रक्षा करना स्टेट का काम है। तो इसके अनुसार भारत में काम होना चाहिए था कि जो भारत का ज्ञान है, भारत की परंपरा है, भारत की प्रथाएं हैं, भारत की ट्रेडिशंस हैं, उनकी रक्षा करें इंडियन स्टेट। लेकिन वो तो अंग्रेजों की जो परंपराएं थी, अंग्रेजों की जो प्रथाएं थी, उनकी रक्षा के लिए इंडिया एक्ट 1935 बना था, उसे ही संविधान बना दिया। इससे जो सबसे बड़ी घटना घटी वो ये घटी कि प्रज्ञा का काम तो विद्वानों का था ना, जिन्हें पंडित कहते हैं, वो गुणकर्म विभाग के अनुसार। लेकिन जो शास्त्र का अध्ययन करेगा, ज्ञान की साधना करेगा, अध्यात्म की साधना करेगा, वो भारतीय प्रज्ञा का प्रतिनिधि है ना। उसके स्थान पर जो इंग्लिश लॉ के स्टूडेंट हैं, जो एंग्लो क्रिश्चियन लॉ के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ प्रज्ञा के प्रतिनिधि बन गए। मतलब इंडियन विजडम का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, जुडिशियल ऑफिसर। और जुडिशियल ऑफिसर जो है वो कौन है, एंग्लो सेक्शन लॉ का स्टूडेंट। तो ये तो भारत गड़बड़ा गया ना, यानी जो एंग्लो सेक्शन लॉ के जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी है, वो उस लॉ को याद कर लेते हैं, वो यहाँ जजेस होते हैं। उनका इंडियन विजडम से, इंडियन ट्रेडिशन से, भारतीय शास्त्रों से, भारतीय ज्ञान से, भारतीय न्याय परंपरा से कोई संबंध नहीं। और राजा जो है वो पहले इस परंपरा की रक्षा के लिए होता था। अब जो नया राजा है वो परंपरा को किनारे फेंक देता है, वो कहता है हम कानून बनाएंगे। और उसकी योग्यता केवल यह है कि वो मास मोबिलाइजेशन कर लेता है, लोगों को जुटा लेता है अपने पक्ष में और उनको उनकी मेमोरी से, उनके शास्त्रों से काट देता है। ऐसा जोश पैदा करता है कि मतदाताओं को याद ही नहीं रहे कि हमारा कोई शास्त्र भी है, हमारी कोई परंपरा भी है। उसमें फलानी पार्टी है, ये समाजवादी है, ये राष्ट्रवादी है। एक नशा पैदा करना, यानी एक तरह का जुनून, जोश और जुनून पैदा करके, उन्माद पैदा करके, लोगों को मोबिलाइज करके वोट लेना, ये अब राजा का काम हो गया, राजन्य वर्ग का। और पंडितों की जगह न्यायाधीशों ने ले ली, और वो जो है स्टूडेंट है, एंग्लो सेक्शन लॉ का स्टूडेंट, इंडियन विजडम का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। एंग्लो सेक्शन लॉ का विद्यार्थी भारतीय प्रज्ञा का प्रतिनिधि बन गया, वो न्याय करने लगा। न्याय तो प्रज्ञा से होती है। तो ये स्थिति आ गई थी। इसमें आरएसएस क्योंकि विद्या का क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था, तो उसने ये कुछ नहीं समझा, उन्होंने पार्टी बना दी। अब पार्टी बनी तो शिक्षा के स्तर पर कोई चेतना, हायर एजुकेशन का कोई काम नहीं किया, साधना भी नहीं की मठों में। नतीजा ये है कि इनके जो आरएसएस के अगली पीढ़ी आई, उसके लड़के तो उन्हीं एंग्लो क्रिश्चियन माइंडसेट वाले स्कूल में पढ़ते थे, और ऊपर से नेहरू जो है वो सोवियत संघ को अपना आदर्श मानता था, कम्युनिज्म को, तो उनका कम्युनिस्ट माइंडसेट हो गया। तो उन्होंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, और उसको टोटल कंट्रोल करना चाहिए सोसाइटी पे, जैसे कम्युनिस्ट स्टेट होता है, यानी इंडस्ट्री, बिजनेस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सब पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो। जैसे ऐसे इन्होंने सोचा अब हमारे हमारी पार्टी का कब्जा हो। पहले कांग्रेस ने किया, सोशलिस्ट पार्टी ने कोशिश की, फेल हो गई, कम्युनिस्ट की
किनारे हो गए। अब आरएसएस के लोग सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह भारत के एजुकेशन सिस्टम, भारत के लॉ, भारत के कम्युनिकेशन, भारत के बिजनेस, भारत के सारे ही एग्रीकल्चर सबका इन्होंने सोचा कि हम अपने ढंग से कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या है, एक वेल निट वेल ऑर्गेनाइज्ड जो सोसाइटी है, अच्छी तरह संगठित समाज जिसकी लाखों साल या हजारों साल की ट्रेडिशंस हैं, जो विजडम है, ज्ञान की परंपरा है हर क्षेत्र में, कृषि में, नक्षत्र में और व्याकरण में, साहित्य में, कला में, सब जगह शास्त्रों में, दर्शन में, इतनी विशाल परंपराएं हैं, वो रिडंडेंट बना दी। उसकी बजाय जो पिछले 150 साल में यूरोप में जो फिलोसफर हुए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनको भारत में पढ़ाया जाने लगा। तो ये क्या है, ये अब भारत से कटे हुए लोग ये क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि यूरोप में कितने फिलोसफर हुए, यूरोप में कितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, यूरोप में कितने इकोनॉमिस्ट हुए, वो इनके लिए प्रमाण है। तो इनका सेंस ऑफ अथॉरिटी इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोप हो गया। अब जो आरएसएस है उसकी सेंस ऑफ अथॉरिटी भारतीय विद्वान नहीं है, सन्यासियों से इसलिए मिलते हैं कि उनका सम्मान बहुत है, लेकिन मन में सेंस ऑफ अथॉरिटी कहाँ है, क्योंकि ये उन्हीं कॉलेजेस से, उन्हीं स्कूल से पढ़े हैं। तो ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए की जो पढ़ाई है, वहाँ की जो पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, वहाँ की जो सोशियोलॉजी है, उसी को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये भारत के लिए एलियन लोग हैं। तो ये क्या है? जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया था कि एक वेल निट वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, उसको हमको डिसइंटीग्रेट करना है, तो उसे क्या कहेंगे, हम इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो उन्होंने हिंदू समाज को रीऑर्गेनाइज करने का कहा कि इसमें बहुत बुराई है, हिंदू समाज जो है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, इसको रिफॉर्म करना है और रीऑर्गेनाइज करना है। तो हिंदू समाज को रीऑर्गेनाइज करके हम इसे नया बनाएंगे, ऐसा बोले, जिसका अर्थ होता था क्रिश्चियन बनाएंगे। अब आरएसएस भी और बाकी सब पार्टियां भी हिंदू समाज को रिफॉर्म करना और रीऑर्गेनाइज करना, ये इनका पर्पज हो गया। तो ये रीऑर्गेनाइज तो बाद में करेंगी, पहले इसको डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सारे ही पार्टियां हिंदू सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट कर रही हैं ताकि हम इसको कंट्रोल करके रीऑर्गेनाइज कर सकें। तो आरएसएस भी उसी में लगा है। तो ये इस रूप में अब जो आरएसएस है, वो जो डॉक्टर हेडगेवार का लक्ष्य था कि अपनी मर्यादा में रहना, विद्या का काम विद्वान करेंगे, अध्यात्म का काम अध्यात्म के संत करेंगे, मठ करेंगे, संप्रदाय करेंगे, चिंतन का काम आधुनिक विद्वान करेंगे, बाकी काम और लोग करेंगे, किसान खेती का काम करेगा, व्यापारी व्यापार का काम करेंगे, हम तो बस इनमें एक सेवा और रक्षा की भावना का बदल, रक्षा और सेवा का कार्य करेंगे, वो भूल गया। नाउ दे वांट टू कंट्रोल टोटल हिंदू सोसाइटी। हिंदू समाज में आचार्य कौन बनेगा ये सोचते हम ही बताएंगे, शंकराचार्य कौन बनेगा हम बताएंगे, धर्माचार्य कौन है कौन नहीं है, किसी एक शंकराचार्य से अगर असहमत हो गए तो उसे कांग्रेसी शंकराचार्य कहने लगे, किसी आचार्य से असहमत हो गए तो उसके बारे में उड़ा दिया कि ये तो हिंदुत्व के प्रतिष्ठित, यानी हम ही हिंदू की अथॉरिटी हैं। तो ये हिंदू सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने में लग गए। तो आरएसएस चला कहाँ से था, हिंदू समाज की रक्षा और सेवा के लिए, और अब बन गया है हिंदू सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन ये एक बात थी, थोड़ी बात और स्पष्ट, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा और आरएसएस का अन्याय हो जाएगा। अन्याय ये है कि वास्तव में तो ये लोग हिंदू परिवारों के संस्कारी लोग ही है ना, तो इनके मन में वो संस्कार भी भरे। जैसे अभी जो सिंगापुर में, बैंकॉक में हुआ था ना सम्मेलन, बैंकॉक में हाँ, मोहनराव भागवत ने जो हिंदू कांग्रेस में भाषण दिया वो बहुत सुंदर है। उसमें उन्होंने वही कहा, सनातन धर्म, इसकी संप्रदाय, इसकी शाखाएं, इसमें विविधता, इसकी जो इसकी विविधता एक की ही अभिव्यक्ति है ना, यानी एक ही सनातन धर्म की विविध अभिव्यक्तियां हैं, सारे संप्रदाय, सारे ही जो समूह हैं, समुदाय हैं, उनमें जो विविधता देखती है वो वस्तु एक की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, ये तो सनातन धर्म है। यानी भाषण तो सनातन धर्म का दिया, लेकिन करते क्या है, कोशिश करते हैं कि हमारा ही, हम ही तय करें कि धर्माचार्य कौन हो। विश्व हिंदू परिषद भी इसी तरह बना दिया कि वो तय करेंगे कि हिंदुत्व तो कौन हो, और हिंदुओं में नास्तिक और पाखंडी, उनको विशेष स्थान दे दिया। ये तो धर्म का नाश करने की, धर्म धर्म की व्याख्या कौन करेगा, नास्तिक और पाखंडी। और अब तो फिर ये भी आ गया कि भगवा ध्वज ही
भगवान का प्रतिनिधि है। अब आजकल सुनते हैं वहां ये भी कह दिया गया कि तिरंगा ही भगवान है। भाई ये तो नास्तिकों की बातें हैं, राष्ट्र के नाम पर, या राष्ट्र के, राष्ट्र ही देवता है। देवता तो चिन्मय शक्तियां है ना, देवता तो भगवान का अंश है चिन्मय। और देवता को हम क्या देते हैं? देवता हमें देते हैं, देवता कहीं तो हम पूजा करते हैं, यानी देवता को हम केवल भाव देते हैं। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वापस्यतः। देवताओं को हम भावना देते हैं, देवान भाव यता ने, पुण्य, देवता अपने हमें सब पुण्य कुछ। कर्म जो हम पुण्य कर्म करते हैं उनको मिलते हैं। हाँ, और अब ये तो क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं राष्ट्र भी देवता है। तो राष्ट्र, राष्ट्र तो भौतिक वस्तु भी है ना भाई, यहाँ तो आपको भौतिक कार्य भी करने पड़ेंगे। देवता तो कोई भौतिक कार्य आपसे नहीं मांगता। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र देवता कैसे हो गया? राष्ट्र देवता से प्रकाशित एक सत्ता है, एक एंटिटी है, एक भूखंड है ना। तो ये बुद्धिहीनता है। भगवा ध्वज ही भगवान है, तिरंगा ही भगवान है, राष्ट्र ही भगवान है, कुछ भी बोलना है, नास्तिक कथन है। तो अब आरएसएस ये कम्युनिस्टों का है कि मतलब हम सेंट्रल अथॉरिटी हैं, हम टोटल कंट्रोल करेंगे कि बिजनेस कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेशन। और ये मॉडर्न स्टेट भारत में सोवियत पैटर्न पे बना। ये तो बीच में नरसिंह राव और राजीव गांधी के समय, जब सोवियत संघ टूट गया, तब उन्होंने यूएसए से थोड़ी प्रेरणा लेनी शुरू की। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये नया है ना, 1990 से चला है, इसमें थोड़ा स्पेस बना है। लेकिन जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो अभी भी कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है, यानी ब्रिटिश स्टेट का देखने में ढांचा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर कम्युनिस्ट है। और यहाँ के जो अफसर हैं वो रियल पावर, आईएएस और आईपीएस, वो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। अंग्रेजों ने कलेक्टर और एसपी बनाया था कि तुम समाज को कंट्रोल करके लूटो और हमारे खजाने में भरो। वही कलेक्टर, डीएम, कमिश्नर और एसपी, आईजी, डीआईजी सब अभी भी चल रहे हैं। यानी सोसाइटी को कंट्रोल करना, इंडियन उससे पुलिस एक्ट, वसूली करना है ना। तो आरएसएस उसी में फिट हो रहा है, क्योंकि तो इन विषयों पे उनका कोई चिंतन नहीं है। इसके लिए तो यूनिवर्सिटी टाइप के लर्निंग सेंटर्स चाहिए, विद्या का काम चाहिए, पॉलिटी का नेचर क्या होगा, इंडियन स्टेट का इंडियन हिंदू सोसाइटी से क्या संबंध है, वो उसको कैसे करेगा, कुछ किसी बात पे कोई चिंतन नहीं, बस इमोशनल बातें हैं। हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा है। अरे बाबा, मान लो कोई किसान रोज ये कहे ये खेत हमारा है तो खेती हो जाएगी? ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ा खेत है 100 एकड़ का, और हम रोज सुबह शाम उसको देखें, ये हमारा खेत है, ये हमारा। हमको जानना पड़ेगा कि उस खेत की मिट्टी क्या है, उसमें सिंचाई कितनी है, बीज कौन सा लगेगा, हम कौन सा फल बोना चाहते हैं। इन्होंने हिंदू सोसाइटी के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है, जाति क्या है, वर्ण क्या है, गुण कर्म क्या है, कितने प्रकार के मठ हैं, कितने प्रकार के संप्रदाय हैं, कितने प्रकार की ज्ञान परंपराएं हैं, सबका समन्वय कैसे हो। और अगर नहीं जो किया तो जो कोई आपने गलत बात जो नहीं। जो आपने अभी बताया है उससे लगता है कि यही रीजन है कि इन ऐसा लगता है कि इन लोगों को संप्रदायों से चिढ़ है, क्योंकि उनसे इसलिए कंपीट कि कर रहे हैं। अज्ञान है, अज्ञान है। वस्तुतः ये हिंदू समाज के विषय में कुछ नहीं जानते, हमारा मुख्य कथन ये। इनकी इनकी चिढ़ भी पॉलिटिकल है, वो किसी ज्ञान से नहीं उपजी है। इनको लगता है कि संप्रदाय के आचार्यों का अभी भी सम्मान, अभी भी इतना आदर है। तो ये कई बार उनसे ईर्ष्या करते हैं और कई बार उनके पास जाते हैं शरण में। लेकिन उस शरण में जाके अपने जो मीडिया हमसे प्रोपोगंडा ये करते हैं कि देखा वो हमको मानते हैं, हमारे उनके विचार एक हैं, और इसके द्वारा जैसे मानो हम वही हैं। भाई, आपके और उनके विचार एक ही हैं तो भी वो आचार्य हैं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण गृहस्थ। परम पूजनीय गुरु जी में ये नहीं था, वो शंकराचार्यों से मिलते थे या मठाधीशों से बड़े, तो साष्टांग प्रणाम करते थे, जबकि वो सन्यासी थे। लेकिन लोग मना करते थे, नहीं 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 आप ये मत करिए। शंकराचार्य ने मेरे सामने बड़े बड़े दोनों शंकराचार्यों ने उनको मना किया, हिरण्यदेव तीर्थ जी ने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, और साष्टांग प्रणाम किया विश्व हिंदू की परिषद की स्थापना के समय। ये तो झुकते तो हैं लेकिन मन में ये लगता है कि मैं और ये बराबर। आप आचार्य के बराबर कैसे हो सकते हैं? आप शंकराचार्य के बराबर कैसे हो सकते हैं? आपका फील्ड अलग है। कल को एक किसान जो है वो कमिश्नर के ऑफिस में जाके कहे कि मैं भी खेत की बहुत जानकारी रखता हूँ, तुम प्रशासन की जानकारी कहते हो, हटो तुम, हम कमिश्नर हो। भाई, संप्रदाय के आचार्य से आरएसएस के किसी भी अधिकारी का क्या लेना देना, ये एक फील्ड अलग है जीवन का।
आप केवल समाज में थोड़ा मोबिलाइजेशन के एक्सपर्ट हैं, और आपको क्या आता है, और उनको तो पूरी ज्ञान परंपरा, कोई भागवत का विद्वान है, कोई महाभारत का, कोई गीता का, दोनों अलग फील्ड है ना। कोई दूध का व्यापारी कह दे कि क्योंकि मैं दूध का बहुत अच्छा व्यापारी हूँ इसलिए मुझे कलेक्टर बना दो, ये तो उस तरह की चीज हुई ना। आपको कुछ नहीं पता आचार्यों के बारे में, धर्म के आचार्यों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप केवल उनके शिष्य होने इसीलिए लायक। इसीलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो इनके मेंबर्स आप भी वहां से हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है मैं तो स्वयं और आरएसएस से जुड़ा रहा हूं, मैंने तो कई बार लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को शिक्षण। देखता हूँ जो इनके सेशंस में जाते हैं, जो इनका प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग जो भी इनका करते हैं, मैंने भी तृतीय वर्ष किया है, उनको कभी मैंने भी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष तीनों किया है, लेकिन अपनी बुद्धि नहीं खो दी है। मैंने तृतीय वर्ष हिंदुत्व के लिए किया है, आरएसएस के सबॉर्डिनेशन के लिए नहीं किया है। आरएसएस को और अच्छे से सेवा करूं, यानी वो देशभक्त संगठन बना रहे, इसके लिए किया है। मेरा आरएसएस के प्रति पूर्ण समर्पण है, पर वो समर्पण देशभक्ति और धर्मनिष्ठा का अंग है, जी यानी ये छोटी चीज है वो बड़ी चीज। देश और धर्म बड़े हैं, आरएसएस उसका एक छोटी यूनिट, ये मुझे ज्ञान है। और वो लोग जो हैं वो आरएसएस को बड़ा मानते हैं, देश और धर्म को उसका सबॉर्डिनेशन एक मानते हैं, एक मेरे को ये ज्यादातर बेवकूफ। सुनने को मिलता है, अगर हम लोग नहीं होते तो कहाँ होते हिंदू, हमने हिंदुओं को जगाया है, पहली बात, हिंदू कभी सोया नहीं था, कभी ये सोया मूर्ख नहीं। हैं। हिंदू कभी नहीं सोया, हिंदू कभी पराधीन नहीं रहा, हिंदू धर्म अधर्म की लड़ाई में कभी कभी हार गया, जैसे कि देवता भी हार जाते हैं, फिर उसने जीत लिया। हार को अज्ञान नहीं कहते है ना, और हार को सोना भी नहीं कहते। युद्ध में थोड़ी थी कोई लड़ाई हार गई, फिर तो जीत लिया। 90 वर्ष तक हम अंग्रेजों से, वो भी अंग्रेजों ने एक दिन ये घोषणा नहीं की कि हम भारत को गुलाम बनाएंगे, हम भारत को जीतने आए हैं, ये किसी अंग्रेज ने कभी नहीं कहा। ब्रिटिश शासन नेवर डिक्लेयर्ड दैट वी हैव लॉन्च द वार अगेंस्ट इंडिया और वी वुड विन ओवर इंडिया, है ना। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम भारत को जीतेंगे, हमारी भारत से लड़ाई चल रही है, युद्ध, कभी नहीं कहा। कहा हम ही भारत हैं, हम भारत की सेवा करेंगे, हम भारत में गुड गवर्नेंस लाएंगे। तो जो हमारे सामने झुक के आया है ये कह के कि हम आपकी खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, आपको अच्छा शासन देंगे, वो हमारा मालिक कैसे हो गया? तो अंग्रेज कभी हमारे मालिक होने की हैसियत ही नहीं थी उनकी, ना उनके पास उतनी वीरता, न सेना, न शक्ति, न लड़ने का अभ्यास, न युद्ध का ज्ञान, न ज्ञान विज्ञान। अभी 100-150 साल का तो टोटल उनका नॉलेज पैराडाइम्स और नॉलेज सिस्टम आता क्या है। इंग्लैंड की क्या हैसियत थी कि वो भारत को गुलाम बना ले? ये मूर्खों की तरह, कहीं कहते हैं इंग्लैंड ने गुलाम बना लिया, कहीं कहते हैं मुसलमानों ने गुलाम बना ली। ये तो मूर्ख लोग हैं, ये भारत के विषय में कुछ नहीं जानते। जो भारत को गुलाम कहे वो तो महामूर्ख है, अभी उसको कुछ दिन विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। ये चले हैं इसके आधार पर हिंदू समाज को संगठित करने, तो इनको विनम्र रहना चाहिए। और आरएसएस हिंदू समाज की भुजा की तरह हो सकता है, हिंदू समाज का एक बहुत ही विनम्र शूद्र हो सकता है। सेवा परिचर्य आत्म कम कर्म शूद्र स्यापि स्वभाव जम। आरएसएस के लोग स्वयं घोषित करते हैं कि हम सेवा करेंगे, तो सेवा किसका काम है? शूद्र का। तो आरएसएस को कहना चाहिए कि हम इस विशाल हिंदू समाज के बहुत ही विनम्र शूद्र हैं, है ना। परिचर्य आत्म कम कर्म शूद्र स्यापि स्वभाव जम, क्योंकि ये न तो अध्ययन करते, न अध्यापन करते, न इनमें शौर्य है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभाव। वो भी ये नहीं करते, न तो इन्होंने कोई युद्ध किया, ना ही मजहबी उग्रवादियों का समूल नाश किया, ना उनसे लड़ाई लड़ी। तो ये तो न क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण तो होने की इनमें इच्छा ही नहीं है। उसके लिए तो ज्ञान है ना, अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय, ये ब्राह्मण का कर्म है, वो भी ये नहीं जानते। तो ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य तो है ही नहीं है, बेचारे चंदा इकट्ठा करते हैं, लोगों से मांगते हैं, वैश्य तो देता है, तो इनमें दान की भी प्रवृत्ति नहीं है, ये लेते हैं दक्षिणा। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य नहीं है, शूद्र हैं, शूद्र की तरह रहना चाहिए। हर मनुष्य को में एक शूद्र वृत्ति भी होती है, इनको सेवा करनी चाहिए शूद्र की तरह। अगर आरएसएस अपने को ये घोषित कर दे कि हम हिंदू समाज के एक विनम्र शूद्र हैं, शूद्र संगठन है, तो ये सत्य होगा। लेकिन ये तो कहते हैं हम सेवा करेंगे, यानी शूद्र कर्म करेंगे, और चाहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय होना, ये कमी है ना। तो इनमें संस्कार तो हैं, लेकिन देखिए धीरे 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 जो इनकी नई पीढ़ी है, क्योंकि इन्होंने एक भी लर्निंग, जैसे आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रह के, आप अभी इस कार्यक्रम के प्रारंभ में क्या कह रहे थे, भागवत
पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं। आप 17 वर्षों से क्या कर रहे हैं, गीता भागवत पुराण शायद ये पढ़ा रहे हैं ना। योग सूत्र क्या कहता है, योग सूत्र सबसे बड़ी विद्या है जीवन मरण के बारे। वो कहते हैं जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यानंतरियम स्मृति संस्कार योग एक रूपत्वात्। अर्थात जाति का अंतराल हो, देश का अंतराल हो, काल का अंतराल हो, फिर भी अगर आपकी स्मृति मेमोरी किसी जैसी है और संस्कार भी उसके जैसे हैं तो आप वही हो जाएंगे। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रह के यदि गीता रामायण महाभारत उपनिषद पढ़ते हैं भागवत पढ़ते हैं तो आपकी स्मृति कौन सी हो गई, जो एक सनातन धर्मी व्यक्ति की होती है, और संस्कार भी वही होते हैं, तो आप क्या हो गए, सनातन धर्मी पक्के हिंदू। और अगर कोई शंकराचार्य का भी भतीजा है लेकिन वो भारत में जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है कूड़ा कचरा उसको पढ़ता है, जो ये पढ़ता है कि मैकियावेली ने क्या कहा और मार्क्स ने क्या कहा, अगर वो यही पढ़ता है तो उसकी स्मृति क्या हो गई, क्रिश्चियन, और उसके संस्कार हो गए सेमी क्रिश्चियन सेमी कम्युनिस्ट। तो देश और काल का अंतर है, यानी वो रूस में नहीं रह रहा है, अमेरिका में नहीं रहा है, इंग्लैंड में नहीं रह रहा है, फिर भी जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि भिन्न, यानी आप भिन्न देश में हैं, इंग्लैंड में नहीं है, आप रूस में नहीं है, आप अमेरिका में नहीं है, देश भिन्न है काल भी भिन्न है, फिर भी स्मृति और संस्कार की एक रूपता से ये सब आधे ईसाई और आधे कम्युनिस्ट सेमी क्रिश्चियन सेमी कम्युनिस्ट होते जा रहे हैं। योग सूत्र प्रमाण है जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतरियम निरंतरता है स्मृति संस्कार योग एक रूपत्वात्। तो ये आरएसएस के लोगों की जो नई पीढ़ी है उसकी स्मृति और संस्कार दोनों धीरे धीरे सेमी कम्युनिस्ट सेमी क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। इन्होंने कोई हिंदू संस्कार पढ़ाए नहीं, वो थोड़ा पूजा पाठ और श्लोक पढ़ लेना तो बाल सुलभ चाइल्डिश है ना, नहीं, लेकिन भोजन इसके बाद भोजन ज्ञान मंत्र, नहीं। भोजन मंत्र जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मजाक वाला है पूरा, वो कॉमेडी ये है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मांड को खा रहे हैं क्या? भोजन ब्रह्मांड, और उनके लोग हैं। अभी कल ही भोजन एक, के समय क्यों, ब्रह्म तो आप शाखा में भी कहिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, वहां क्यों नहीं कहते ब्रह्म, केवल वो भोजन का उसको मंत्र तो भोजन नहीं है मंत्र तो बना चले दिए, गए। उनको भोजन मंत्र बना दिए। यज्ञ शिष्टाशिनाशन तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे, ये नहीं बोलते हैं। तेतो अगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, ये नहीं बोलते। कटोमला बल्कि बल्कि बहुत से अच्छे मठों में अलग अलग है, लेकिन कई जगह गीता का ही अगर होता है तो 15वें अध्याय का लोग पाठ करते हैं तो उसमें वो सब आता है भोजन अहम के पकाने वैश्वानरो का भी। भूत्वा प्राणिनाम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम प्रणाम देहे देह मार्जिता माश्रितः, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वो चतुर्विधो नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते। वो तो सीधे पचाने के विषय में मैं जब ये पहली अहम बार सुना, वैश्वानरो। मैंने भोजन मंत्र सुना, मैं चकरा गया मैं थोड़ी देर के लिए। क्या भोजन मैंने मंत्र कहा कर रहे हैं नहीं कि था, ब्रह्म को ही खा रहे हैं आप? नहीं, हमने शाखा में कहा कि भाई ये पढ़ा करो, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो वो क्या है, डरते हैं। एक और तो कहते हैं कि हम हिंदुओं में क्या कहा है, युक्ति युक्तो वचोग्राह्यम बालादपि शुकादपि। अगर हम नए भी हैं तो भी अगर हमारी बात युक्ति युक्त है तो आपको सुनना चाहिए। ये कहते हैं नहीं, अधिकारी तय करेंगे। अरे तो अधिकारी क्यों तय करेंगे, ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर जैसी मूर्खता क्यों तय करेंगे, तुम पचाम्यन्नम चतुर्विधम क्यों नहीं कहते मैं एक मेरे मित्र हैं है? शांतनु गुप्ता, उनको बुला के मैं पूछने वाला हूँ कि कौन सा मंत्र सिखा के आए ऑक्सफोर्ड में, जरा सिखाओ मुझे, क्योंकि उसका मतलब उनको मालूम नहीं है शायद। और ये कौन सा प्रणाम की वही विधि है, आप हाथ क्यों नहीं जोड़ते, कौन शाखा वो में ऐसा क्यों किया जाता है, ये किस किस भारतीय परंपरा में इसे प्रणाम कहा है, कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट हेल ये अरे है। हिटलर से लिया है भाई, ऐसे करिए प्रणाम। अगर आप ध्वज को ही प्रणाम कर रहे हैं तो ऐसे प्रणाम करिए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में, लगता है पता नहीं क्या बता रहे हैं, मातृभूमि को धमका रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जबकि इतना सुंदर मंत्र है, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, वो प्रार्थना बहुत किसी सुंदर। विद्वान ने लिखी है, अच्छा, दिव्य उसके प्रार्थना है, उस भोजन नमस्ते। मंत्र के बाद ओम सहना भवतु सहन भुनक्तु, बोल रहे हैं कि हम सभी एक साथ ही खा रहे हैं, एक साथ ही पी रहे हैं, तो लाइक हाँ इट्स ए टुगेदरनेस। तो वो हाँ रसाभास है वहां पे, क्योंकि हाँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि एक श्लोक इधर से और वो काटा, तो उधर से उपनिषद काटा। का मंत्र है ना, नहीं, वो उपनिषद के स्वाध्याय करेक्ट, के समय का मंत्र स्वाध्याय है, का समय पहना वो। हाँ इन्वोकेशन है। हाँ वो उसके लिए है, सह वीर्यं करवा भाई,
ज्ञान से जो उत्पन्न होता है वीर, उसकी बात है, ये भोजन वाले वीर की बात नहीं है। भोजन से तो रस बनता है। वीर्यं करवा भाई, मतलब पराक्रम करें, वहां सह नहीं है, वहां तो हायरार्की है, खैर अज्ञान है। लेकिन संस्कार इनमें अभी तक हिंदू हैं, विद्या केंद्रों के अभाव में ये धीरे धीरे सेमी क्रिश्चियन सेमी कम्युनिस्ट हो रहे हैं। तो ये आरएसएस की विडंबना है। अगर आरएसएस अपनी आत्म छवि ठीक कर दे कि हम हिंदू समाज के एक विनम्र शुद्ध समूह है ना, परिचर्यात्मक कर्म, परिचर्यात्मक कर्म, सेवा कर्म हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो ये एक बहुत अच्छा शुद्ध समुदाय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत ही सराहनीय शुद्ध समुदाय है। लेकिन अगर वो हिंदू समाज का शासन करना चाहता है तो उसे भारत की राजनीति शास्त्र, भारत की संस्कार परंपरा, भारत का ज्ञान परंपरा, हिंदू समाज से हिंदू शासन का क्या संबंध है, इनको कुछ नहीं पता। आप ये क्रिश्चियन स्टेट का सिस्टम चला रहे हैं, ये तो हमारी स्मृति और संस्कार को नष्ट करने के लिए बना है। भारतीय स्मृतियां, कोई भी एमए पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी से पूछ लीजिए कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा है, वेद व्यास ने क्या कहा है, कुछ नहीं पता उसे। वो उसको कोई बड़ी रिचुअल्स की चीज समझता है, उसको पता ही नहीं कि महाभारत में राजधर्मानुशासन में क्या कहा है, कुछ नहीं मालूम। पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छा तो वेद व्यास ने क्या कहा है, नारद मुनि ने क्या कहा है, नहीं वो नहीं पता हमको। तो प्लेटो का पता, अरे प्लेटो का तो कुछ लिखा मिलता ही नहीं था, ये 18th सेंचुरी में इन लोगों ने प्लेटो को एक फैब्रिकेट कॉमन किया है। आर्गुमेंट होता है, हमको समय से बदलना चाहिए। अभी हाँ अभी समय के अनुसार समय क्या बदलना है, जरूर चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि आप ओरिजिनल कनेक्शन को भूल जाएं। टूल्स नहीं 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 आप यूज कर ये सकते। वाक्य नहीं, ये वाक्य स्वयं में दोषपूर्ण है। समय क्या है, देखिए सांख्य दर्शन में क्या है, काल मुख्यतः क्रिया है। कोई भी समय, एक कौन सा समय है, जैसे ही हम क्रिया करते हैं वैसा समय बन जाता है। तभी तो शुक्र नीति सार और सब जगह कहा है कि राजा ही, उसमें कहा है ना, कालो वा कारण हराज्ञो, राजा वा काल कारणम, इतिते संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम। समय क्या है, आप सनातन धर्म के अनुसार शासन दा दीजिए, ये समय बदल जाएगा। समय किन्हीं क्रियाओं का फल है ना, और समय आगे पीछे नहीं होता, ये तो वन सिंगल माने एक रैखिक काल की धारणा है क्रिश्चियंस की है ना, कि एक समय में काल ऐसे चलता है तीर की तरह, काल तो निरंतर चल रहा है। अच्छा, अभी सद्युग है, अभी कलयुग आ जाएगा, महाकाल सर्वत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड में महाकाल महाशिव है, महाकाल में सारे काल समाहित हैं। आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे भगवान उस काल को प्रकट कर देगा। समय क्या होता है, और ये जो समय आया है ये किसी के पुरुषार्थ से आया है। अच्छा बुरा जो भी हो, इस्लाम के पागल लोगों ने कुछ पुरुषार्थ किया और मजहबी उग्रवाद ला दिया, ईसाइत के उन्मत्त लोगों ने कुछ पुरुषार्थ किया और क्रिश्चियन एम्पायर ला दिए, ये तो पुरुषार्थ का परिणाम है, नहीं, आपने कोई बिल्कुल सही भगवान ने बोला, भेजा है क्या। बिल्कुल सही बोला। इन्होंने शत्रु बोध को खत्म पे आघात किया है। एक्चुअली इन्होंने इनको काल बोध भी नहीं है, समय बोध भी नहीं, क्योंकि तो समय कैसे बदलता है, समय को हम कैसे फॉर्म वो करते हैं, हम स्वयं समय को गढ़ते हैं, राजा समय को गढ़ता है। इनको समय का भी ज्ञान नहीं है, समय कोई आकाश से भर नहीं आया है, ग्रह नक्षत्रों से नहीं आया है, साथ में आपके क्रियाकलाप, आपका पुरुषार्थ समय को गढ़ता है, हमारा पुरुषार्थ हमारे समय को, जैसे भवसागर कहा है ना, कहा है ये विश्व भवसागर है, ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, हर क्षण बन रहा है, हम इस संसार का एक हिस्सा स्वयं भी हर क्षण बना रहे हैं। ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, भव सागर भवति, हमारे पुरुषार्थ से ये संसार बन रहा है। अरे तो पुरुषार्थ का संकल्प करो, इस समय को हम बनाएंगे। क्या समय केवल इंग्लैंड और यूएसए बनाएगा, हु विल डिसाइड द नेचर ऑफ टाइम, समय का निर्धारण कौन करेगा, हम समय को बनाएंगे। ये तो ऐसे कहते हैं समय, समय मतलब तुम इंग्लैंड और अमेरिका और यूरोप के लिए सरेंडर समर्पण कर रहे हो, उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज को तुम समय कह रहे हो, वो उनकी एक्टिविटीज का फल है, उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने वार किया, उन्होंने आपको कंट्रोल किया, उन्होंने आपके माइंड को कंट्रोल किया, उससे समय बन गया। समय कहाँ से आया, आकाश से थोड़ी समय आया है, उन्होंने जो भी खोज की उसके द्वारा प्रोपेगेंडा किया, इंटरटेनमेंट के अपने तरीके निकाले, फिल्में बनाई, आजकल सीरियल्स बने हैं, इन सब से समय बन रहा है ना। लोगों का मन, जिसे वो समय कहते हैं, वो क्या है, लोगों के मन में सौंदर्य के, शक्ति के, पवित्रता के, अच्छाई के क्या स्केल्स हो, है ना, हम इसको अच्छा मानते हैं, ये किसी के पुरुषार्थ का फल है।
शक्ति, सौंदर्य और पवित्रता, ये पुरुषार्थ का परिणाम। इंग्लैंड, हमारे यहाँ तो सबकी प्रशंसा करते हैं, सच्चा हिंदू अमेरिका और इंग्लैंड के पुरुषार्थ की प्रशंसा करेगा, हम तो राक्षसों के पुरुषार्थ की भी प्रशंसा करते हैं, भाई वो राक्षस महाबलशाली है। हमारे रामायण में, भागवत में, सब जगह जो दुष्ट भी हैं उसका पहले पूरा पराक्रम वर्णन होगा, महाबलवान, महाभीषण, उसने वो किया है। अभी का जो समय आया है वो इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे जो यूरोपीय देश हैं उनके पुरुषार्थ का फल। आप अपना पुरुषार्थ करिए, समय बदल जाएगा, और अधिक पुरुषार्थ करिए तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू धर्म ला देंगे, हम इंग्लैंड में हिंदू धर्म ला देंगे, हमारा पुरुषार्थ है। समय क्या होता है, समय हमारे पुरुषार्थ का परिणाम। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता, वेद क्या कहते हैं, कृतम में दक्षिणे हस्ते, हम पुरुषार्थ करेंगे, जयो में सभ्य आहिता, हमारे बाएं हाथ में पुरुषार्थ का फल है, जय विजय। समय को हम गढ़ते हैं, समय हमारा, हमारी रचना है एक सीमा तक, और बाकी तो दैव की रचना है, वो तो अलग बात है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चा पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम दैवात्र पंचमम। तो वो दैव, दैव मत बनो, आरएसएस या किसी को भी अपने को दैव नहीं मानना चाहिए। क्या काल है ये तो हम देखेंगे ना, हमारे पुरुषार्थ से आएगा और भगवान की कृपा से आएगा। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों की शरण में जाना, वही पुरुषार्थ का मार्ग है, वही भक्ति का मार्ग है, वही ज्ञान का मार्ग है जी, है ना। एक्चुअली इसलिए सारी फ्रेजियोलॉजी फाल्स है, सारे मुहावरे झूठे हैं, समय ऐसा है, समय वैसा है। अरे समय किसी ने बनाया है, तुम दूसरा बना दो समय। अब्राहमिक माइंड से तो दिखता है, क्योंकि इतना डर फैला दिया है कि इतने हाँ इंडिपेंडेंट माइंडेड जो हिंदू है, हिंदू संप्रदाय के हाँ लोग हैं, वो भी इनका वैलिडेशन लेने के लिए जाते हैं, और ये लोग सब कम्युनिस्ट माइंडसेट है, अब्राहमिक माइंडसेट है, कम्युनिस्ट माइंडसेट, पूरा कम्युनिस्ट माइंडसेट है, और डर के की वजह से लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। और हमें आजकल ये स्टेट स्टेट का जो पावर है ना, उससे भी डर रहे हैं लोग। लेकिन ये भूल जाते हैं कांग्रेस से ज्यादा एंटी हिंदू तो कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, जब वो चला गया, अगर इतनी मेजर एंटी हिंदू फोर्स खत्म हो सकती है, तो दूसरा भी अगर हिंदू तो अपने को हिंदू कहते हुए एंटी हिंदू काम करेगा तो वो भी खत्म होगा। वो भी खत्म होगा, हाँ क्योंकि देवताओं का प्रभाव बहुत भयंकर होता है, बहुत और है। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवता निर्दयी होते हैं, कभी कभी जब वो एक्ट करते हैं पूरी पृथ्वी के लिए एक्ट करते हैं वो, महाकाल जिस दिन चाह लेंगे उस दिन क्या संहार हो जाएगा कोई नहीं जानता, और संगठन की। मंदिरों की और साधुओं की अपेक्षा बहुत ही एक बहुत जघन्य पाप बोला गया है शास्त्रों में, बहुत उनकी उपेक्षा बहुत पाप है। हाँ बहुत बड़ा उपेक्षा। अपेक्षा, बहुत बड़ा हाँ पाप। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग टुडे, और दर्शकों को भी काफी व्यू पॉइंट्स मिले होंगे, और उनका समरी तो बिल्कुल अच्छा है कि पर्सनली बहुत सारे लोग आरएसएस में बहुत अच्छे हैं, मैं भी मानता हूँ, मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं मैं सामने ही बैठे हुए हैं एक तो, और लेकिन लेकिन जो संगठन की जो हम लोगों ने बात करी उसको अब हमेशा ध्यान रखिए, और शायद इसको आरएसएस के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो यूज करें इस कन्वर्सेशन को, कि वो थोड़ा करेक्ट करें, संप्रदायों की सेवा में लगे, हिंदू समाज की सेवा में लगे, ना कि उसको बदलने के लिए, उसकी रक्षा के लिए लगे, क्योंकि बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की भी जो उसकी रक्षा पे तत्पर रहे, सेवा के लिए लगे हुए। लेकिन उनका स्वधर्म यही है, आजकल ये हो गया है स्वधर्म कि का पालन करें, आरएसएस अपने स्वधर्म का पालन करें, जिसके आजकल लिए है डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गुलवलकर ने बनाया आजकल जी। तो उसके विपरीत ही कार्य करते किया जाता है, कि हाँ डरा डरा के लोगों को, अभी हम लोगों देखा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में भी जो लोग उनसे जुड़ना भी नहीं चाहते वो भी वहां पे थे, क्योंकि हाँ उनको भय है कि इनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारी बुक्स नहीं बिकेंगी या कुछ नहीं वो तो बिकेगा। उससे है ना, आसुरी वो ईश्वरो भी जनमानसमी कौन्योस्तिरथसौमया, इन लोगों के भीतर भी आ गया है आद्यो भी जनमानस, है ना। और भय भय की भाषा भी बहुत बोली जाती है, कि अगर आप, फिर गिल्ट कॉन्शियस दिया जाता है, अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो आप हिंदू के साथ नहीं है, आप हिंदू, हाँ ये ये हिंदू का सिनोनिम बन गए। क्रोनेम जैसे डिफाइन अंग्रेज कर, थे ना, अंग्रेजों ने क्या किया, जो उनके विरुद्ध जाए उसे देशद्रोही कहते थे, भारत करेक्ट द्रोही। करेक्ट भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, नेहरू, सबको उन्होंने भारत द्रोह में बंद किया था, है ना, कि ये भारत का राजद्रोही है। अब ये अपने आप को वो अंग्रेजों की जगह बना रहे हैं, जो इनके विरुद्ध कुछ बोल दे उसको हिंदू द्रोही कहते हैं। ये तो अंग्रेजों की नकल है, मैंने कहा ना, इसीलिए शुद्र बुद्धि है। इस तरह से भारत द्रोही या हिंदू द्रोही किसी को कहना अंग्रेजों की नकल है, बिल्कुल बुद्धिहीनता है।
थैंक यू सो मच रामेश्वर मिश्र पंकज जी, आपने बहुत ही डिटेल में आज समझाया है पूरा इतिहास। ये किसी को शायद मालूम ना हो, और शायद जिनको मालूम भी हो अभी उनकी, एक्चुअली आपने बहुत बड़ी आरएसएस की सेवा करते हैं आप इस तरह से, क्योंकि आप लोगों को सच बता रहे हैं तो लोग हाँ उतनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे जितनी रखनी चाहिए। हाँ और साथ में मतलब हिंदू सेवा का कार्य तो सभी सनातन धर्मियों को करना चाहिए। सबको करना चाहिए। भागवत पुराण में तो लिखा है, जो वेदों के अनुसार है वो धर्म है, जो वेदों के विपरीत है वो अधर्म है। और ये यमराज के यमदूतों के कथन है, तो उसको बड़ा सीरियसली लोग लेना चाहिए। छठे स्कंद में लोग देख सकते हैं जाके, पहले चैप्टर में चालीस बिल्कुल से बिल्कुल इकतालीस वर्ष लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत दर्शकों का भी, एंड ऑल द व्यूअर्स इन द यूएस ऑल्सो हु आर वॉचिंग द इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही एक्यूरेट है हमारा इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन। और अगर लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताइए, और मिथोलॉजी शब्द का प्रयोग भारतीय इतिहास के लिए, स्पेशली रामायण महाभारत पुराण के लिए नहीं करें। पुराणों पे मैं अलग शो करूंगा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं पुराणों के माध्यम से वेद समझे जाते हैं, और हाँ कभी कभी भागवत पुराण को सभी उपनिषदों का भी सार माना जाता है। उपनिषदों को समझने के लिए आपको भागवत पुराण पढ़ना पड़ेगा, और गीता को तो गीतोपनिषद बोलते ही हैं क्योंकि भगवान ने बोली है। तो ये सब को भी आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, और गीता कंपटीशन हमारा है उधर जरूर जुड़िए, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और इतने छोटे छोटे बच्चे जब गीता का श्लोक बोलते हैं, एक बच्ची जो है उसको 18 चैप्टर याद है, 5 साल की बच्ची है, और वो रिसाइट कर सकती है वाह शुरू से आखिर तक। वाह तो अमेरिका में हमारे जो हिंदू इंडियन हिंदू अमेरिकन हैं, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं फॉर द पर्पज, क्योंकि हम सब लोग भारत को मिस करते हैं इसीलिए। तो लेकिन अगर हम भारत में होते शायद ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उतना इतनी हम लोगों को एक क्या बोलते हैं कि सेपरेशन नहीं होता वहाँ पे, है ना। तो चलिए आप सब लोग जुड़े रहिए, और हम लोग अगले शो में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।